सामने सुना, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं SEC मेंबर हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और एक्सेल टैक्स ऐप की टीचिंग भी करता हूँ। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस टैक्सेबल अमाउंट। सम टाइम इन NTS और PPSC टेस्ट दिस इज क्वेश्चन हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस अमाउंट। अगर तो ग्रॉस अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की सैलरी है 2,40,000 रुपया और हमने कैलकुलेट करना है कि इसके ऊपर लेट से टैक्स रेट है 10%, तो हमने कैलकुलेट करना है कि इसकी जो ग्रॉस अमाउंट वो क्या होगी। ठीक है, तो अगर 10% टैक्सेबल रेट है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ज्यूम करेंगे डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी 266,666। और इसका हम 90% लें या इसको मल्टीप्लाई इसका हम 10% लें तो जो अमाउंट बनती है उसमें अगर हम इसको माइनस करें 0.1, इसमें से अगर इस अमाउंट को हम माइनस करें और इसमें से हम इस अमाउंट को माइनस करें तो एग्जैक्ट हमारे पास 2,40,000 आता है। लेकिन ये तो था सिंपल कि जहाँ पे जो टैक्स है वो रेट है वो वेरिएबल नहीं है, यानी कि 10% ये फिक्स रेट है सारी अमाउंट के लिए। लेकिन सैलरी के केस में, रेंटल इनकम के केस में एक स्लैब रेट्स हैं। जब स्लैब रेट हों तो उस टाइम जब स्लैब रेट हों तो वहाँ पे हमने उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस अमाउंट व्हेन देयर इज स्लैब रेट। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस अमाउंट हमने यहाँ, हमारी जो नेट सैलरी है, एक पर्सन है जिसने 2,40,000 पर मंथ सैलरी लेनी है और उसकी ग्रॉस अमाउंट क्या है, उस टैक्सीबल अमाउंट क्या है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी और टैक्स। अब इसके ऊपर टैक्स कितना है, ठीक है, एक तो फिक्स रेट है। अगर हम 2018 की स्लैब रेट लें तो उसमें 60,000 तो फिक्स रेट है, यानी कि 12,00,000 से 24,00,000 तक अगर किसी की सैलरी है तो उसका टैक्स है 60,000। अब 24,00,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी है उसके ऊपर रेट है 10%। तो अब यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा 24,00,000 और इसका मैं लूंगा 10%। तो टोटल जो टैक्स बनता है इसका, जो 10% जो टोटल जो टैक्स बनेगा वो बन जाएगा 108। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप, यानी कि हमने ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेशन के लिए ये एक टेक्निकल फार्मूला है। क्या करेंगे, जो टोटल सैलरी थी, यानी कि सैलरी की अमाउंट जब भी आपने कैलकुलेट करनी है तो वो एनुअल होती है, यानी कि 2,40,000 पर मंथ है। तो हम मैं 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करूँगा, उसने पूरे साल में 2.8 मिलियन सैलरी लेनी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें ये अमाउंट जमा करेंगे, अब इसके ऊपर रेट लगाएंगे। तो फिक्स तो वही है, यानी कि 24,00,000 तक 60,000 रुपया है, उसके बाद 30,00,000 तक 10% है। ठीक है, ये अमाउंट आ गई। अब फिर दोबारा मैं क्या करूँगा, इसमें ये जमा करूँगा, जमा करने के बाद यहाँ पे तो वही रेट है। अब जो एडिशनल 6,00,000 है, यानी कि 30,00,000 माइनस 24,00,000, उसके ऊपर कितना रेट है, 10%। यानी कि मैंने क्या किया, इसके ऊपर 10% लिया। अब उसके बाद जो अगला जो रेट है दूसरा, 30,00,000 से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर जो रेट है वो 15% है। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, 15% रेट ले लूँगा। ठीक है, तो ये टोटल टैक्स आ गया। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है कि पर मंथ उसका उसकी जो ग्रॉस अमाउंट कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, अब इसका जो फार्मूला वो क्या करूँगा कि इसको बेसिक के जूम करूँगा, मैं बेसिक के जूम किया मैंने कि ये बेसिक है और इसमें जो टैक्स था वो मैंने ऐड कर दिया, यानी कि वेरिएबल जो है वो जितनी अमाउंट लेनी है उसने हमने वही रखना है और हर अमाउंट में टैक्स ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको प्लस कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड करूँ डिवाइडेड बाई 12 तो 11,135, और इसको मैं डिवाइड करूँ अगर डिवाइडेड बाई 12 तो ये बनता है 2,51,235। अगर 2,51,235 में से मैं माइनस करता हूँ 11,135 तो जो एग्जैक्ट अमाउंट आएगी वो 2,40,000 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो अमाउंट 2,40,000 उसने पर मंथ लेनी है, तो हमारी ग्रॉस अमाउंट क्या होगी, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट होगी 2,51,000 और टैक्सीबल अमाउंट क्या होगी, 11,335। ठीक है, तो मैंने अब इनको हम जब माइनस करेंगे
इसमें से, तो जो जो माउंट आएगी वो क्या करेंगे हम, अच्छा यहाँ पे फार्मूला है चूँकि, इसको मैं स्पेशल पेस्ट कर देता हूँ, तो इसको मैं अब करूँगा, तो ये टोटल माउंट 2,40,000 है, यानी कि 2,51,335 उसकी ग्रॉस अमाउंट होगी, उसमें से जो टैक्स होगा वो 11,335 होगा और 2,40,000 पर मंथ वो लेके जाएगा। अब इसी ये हमने यूज़ किया कि जब किसी आप टेस्ट में या इंटरव्यू में बैठे हो तो आपसे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी इफ़ ए पर्सन विदड्रॉ सैलरी ऑफ 2,40,000 पर मंथ, तो उसका जो टैक्स है वो कितना है, तो पर मंथ उसका टैक्स हमने कैलकुलेट किया कि ये उस सूरत में है जब आप किसी टेस्ट में बैठे हैं या इंटरव्यू में बैठे हैं। लेकिन जब आपके पास आप सामने सिस्टम मौजूद है, एक्सेल मौजूद है, तो हम इसको एक फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, अगली क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट इफ एनालिसिस, कि इसको हम व्हाट इफ एनालिसिस को यूज़ करके हम कैसे अमाउंट ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या टेस्ट में कहीं टेस्ट में बैठे होते हैं, तो हमने ये सीखा आज की वीडियो में कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस अमाउंट, यानी कि अगर ग्रॉस अमाउंट सिंपल है या फिक्स परसेंटेज है फिर तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, लेकिन अगर वो स्लैब रेट में है तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन टेक्निकल है। तो आज की जो वीडियो में हमने ये सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस टैक्सीबल अमाउंट। नेक्स्ट मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा और हम एक एनालिसिस है जो एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस, उससे सीखेंगे कि व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू, अगर ये तो लंबी एक्सरसाइज है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग भी था, तो उस एनालिसिस में हम ये सीखेंगे कि क्विकली हमने कैसे ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है एक्सेल की, टैक्स की, एसएफ की, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या स्काइप आईडी भी मैसेज कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल। थैंक यू वेरी मच।